नमस्कार। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने और मंदिरों को आग के हवाले करने की घटनाएं देखे कम थी कि अब मंदिरों में चोरी हो रही है। जी हाँ, अब तक तो देखिए पाकिस्तान के सरजमीन पर मौजूद हिंदू मंदिर सिर्फ कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार हो रहे थे और अब उन पर चोरों की नापाक नजर पड़ चुकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटरी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर पाकिस्तान के मुंह पर कालिख पोत दी है। मुल्क की खस्ता हालत से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन के कर्ज तले बोझ से दबे पाकिस्तान के हालात देखिए अब ऐसे हो गए हैं कि चोरों को चोरी करने के लिए मंदिरों को अपना शिकार बनाना पड़ रहा है। हाल ही में कोटरी में मौजूद शिव मंदिर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आधी रात छत के रास्ते मंदिर के भीतर घुसे, जिसके बाद देवी देवताओं की मूर्तियों पर मौजूद जेवरात सब चुरा ले गए। बताया ये जा रहा है कि चांदी के 3 हार, जिनका वजन तकरीबन 10 तोले से भी ज्यादा होगा, और 25,000 कैश मंदिर से चोरी हो चुके हैं। इस घटना को देखे 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वैसे पहली बार नहीं है जब अल्पसंख्यकों की आस्था को इस तरह से चोट पहुंचाई गई हो। इससे पहले गुरु वाल्मीकि मंदिर से सोने के जेवर और लाखों रुपए का मुकुट चोरी हो गया था, और उस वक्त भी अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो ये तो हाल है देखिए पाकिस्तानी पुलिस और प्रशासन का, लेकिन देखिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मजहब की बुनियाद पर खड़ा किया गया हो, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरकार जिसका आदर्श कभी बगदादी बन जाता है तो कभी तालिबान हो जाता है, ऐसे में पाकिस्तान किस मजहब की बात करता है, देखिए ये तो हमारी समझ से परे है। अब रिकॉर्ड ही बताते हैं कि मुल्क के वजीर आजम इमरान खान के राज में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। हालात ये हैं कि 95% मंदिरों को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह मदरसे, दुकानें और शौचालय तक खोल दिए गए हैं। खूबसूरत मंदिर कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके हैं, और जो मंदिर नक्काशी के दम पर चमचमाते थे कभी, अब वो खंडर बन चुके हैं। रिपोर्ट में देखिए कुल 428 मंदिरों का पता लगाया गया है, जिसमें से अब 408 में पूजा पाठ बंद, सब कुछ बंद हो गया है। जी हाँ, पंजाब प्रांत का आप सिद्धि विनायक मंदिर ले लीजिए, रावलपिंडी के एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ मचानी हो, या फिर जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण की मूर्ति को तोड़ना, पाकिस्तान में एक एक कर हिंदू मंदिरों को जमीन दोष किया जा रहा है। 18वीं शताब्दी में भी मुस्लिम आक्रमणकारी ऐसा विध्वंस नहीं करते होंगे जो इमरान खान के पाकिस्तान में अब हो रहा है। खुद को विश्व शक्ति कहने वाला अमेरिका भी हिंदू मंदिरों की इन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान को सीरियस कंसर्न वाली कंट्री लिस्ट में डाल चुका है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस मुल्क में मंदिरों का ये हाल है, वहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय कैसा अपना जीवन यापन कर रहा होगा, ये गौर करने वाली बात है।